दोस्तों, यंग्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, वो है मार्जिन एंड पैडिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसएस के अंदर, क्योंकि ये मार्जिन और पैडिंग हम सारे ही वेब पेजेस और वेबसाइट्स में हम यूज़ करते हैं पेजेस का मार्जिन या सेटिंग सेट करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। इससे पहले जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियोस को शेयर करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन का मतलब होता है, ये डिफाइन करता है जो HTML का एलिमेंट होता है उसके आउटसाइड का, उसके बाहर कितना स्पेस होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक हमने डिवीजन बनाए, वो डिवीजन अपने बाहर वाले हिस्से से कितनी दूर में रहे, कितना स्पेस रहे, उस स्पेस को हम डिफाइन करते हैं ये मार्जिन के थ्रू। मार्जिन पूरे चारों तरफ का एरिया, मतलब एक हम डिवीजन बनाते हैं, एक एलिमेंट होता है, उसके चार साइड होते हैं, एक टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों साइड होते हैं। चारों साइड में कितना स्पेस होना चाहिए, कितनी दूरी में वो होना चाहिए, वो हम डिफाइन करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें के अंदर मेनली क्या है, चार प्रॉपर्टीज को हम चारों साइड्स को, चार प्रॉपर्टीज यूज करके हम डिफाइन करते हैं। टॉप के लिए हम यूज करेंगे मार्जिन टॉप, राइट के लिए मार्जिन राइट यूज करेंगे, बॉटम के लिए मार्जिन बॉटम और लेफ्ट के लिए मार्जिन लेफ्ट। ये चारों प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे इंडिविजुअल साइड को हम सेट करने के लिए, और इसकी वैल्यू हम देंगे पिक्सल के अंदर, कितने पिक्सल हो, मतलब 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 15, 100 पिक्सल, कितना होना चाहिए, हम उसकी वैल्यू पिक्सल के अंदर देंगे। ये चारों प्रॉपर्टीज को अलग अलग, चारों साइड को अलग अलग हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, या कभी कभी चारों को हम एक ही में डिफाइन करना चाहते हैं, एक एलिमेंट को चारों हम प्रॉपर्टीज देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए चलिए हम देखते हैं किस तरह से यूज करते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे सिर्फ मार्जिन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हम पूरे साइड्स को ले रहे हैं, चारों साइड्स को कितना मार्जिन देना है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके चार वैल्यूज आते हैं, चारों वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दिया है 10px, 5px, 15px, 20px, चार वैल्यूज चार साइड के लिए हैं। पहला वैल्यू टॉप मार्जिन है, दूसरा राइट है, तीसरा बॉटम है, आखिरी लेफ्ट है। मतलब आप इस तरह याद रख सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टॉप से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ्ट आएगा। ये याद रखने के लिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रख लीजिए, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। ये चार वैल्यूज हम दे रहे हैं, इसका मतलब टॉप मार्जिन होगा 10px, बॉटम मार्जिन हमने दिए हैं देखिए 15px। इस तरह से हम जितना मार्जिन चाहिए हम दे सकते हैं। एक और ऑप्शन है, थ्री वैल्यूज देंगे, मतलब सिर्फ इस मार्जिन के अंदर तीन ही वैल्यू दे रहे हैं हम चार की जगह। तो इसका मतलब ये पहला वैल्यू होगा टॉप मार्जिन के लिए, सेकेंड वैल्यू होगा और राइट और लेफ्ट के लिए, मतलब हम राइट लेफ्ट दोनों को हम मिला के एक ही वैल्यू दे रहे हैं, और आखिरी वैल्यू होगा बॉटम के लिए। समझ रहे हैं, मतलब राइट लेफ्ट दोनों इक्वल रहना चाहिए, इक्वल हम दे रहे हैं, बाकी के टॉप और बॉटम अलग अलग दे रहे हैं। उस वक्त हम यूज करेंगे ओनली थ्री वैल्यूज, इससे टॉप का अलग दे रहे हैं, बॉटम का अलग दे रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट सेम मार्जिन दे रहे हैं। तो हम इस तरह सिर्फ थ्री वैल्यूज करेंगे। अगर ऐसे भी होता है कि टॉप और बॉटम के लिए एक ही वैल्यू हो और राइट और लेफ्ट के लिए एक ही वैल्यू हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ओनली टू वैल्यूज। पहला वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए है, सेकेंड वैल्यू राइट और लेफ्ट के लिए है। मतलब 10px बॉटम और टॉप दोनों के लिए 10px ही मार्जिन लेगा, और राइट और लेफ्ट के लिए 5px मार्जिन लेगा। अगर चारों को इक्वल दे रहे हैं, चारों का वैल्यू सेम दे रहे हैं, उसके लिए हम सिर्फ एक ही वैल्यू देंगे, मार्जिन और वैल्यू दे रहे हैं। तो ये चारों साइड्स के लिए, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट चारों के लिए इक्वल वैल्यू असाइन हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। चलिए, हमने यहाँ पे एक वेब पेज यहाँ पे डिजाइन किए हैं,
इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, ये इसका आउटपुट है। अब इसके अंदर देखिए मैंने डिविजन्स के अंदर ऐड किया है, अगर आप डिविजन के बारे में नहीं जानते उसके बारे में मैंने ट्यूटोरियल बना ऑलरेडी ट्यूटोरियल उसका ट्यूटोरियल का वीडियो मैंने डाला है, आप वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं डिविजन के बारे में जानने के लिए। अब चलिए देखिए एक मेन पार्ट के अंदर एक डिवीजन मैंने दिया है कंटेनर के नाम से, इसके अंदर बाकी के सब मैंने अलग डिविजन्स दिए हैं। सबसे पहले चलिए मैं बताता हूँ, सिर्फ कंटेनर मैंने बॉडी के अंदर एक मेन कंटेनर लिया है, इसका हम सेट करेंगे सीएसएस देंगे, हम कैसे देंगे डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर इसकी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मैं बॉर्डर दे रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए, बॉर्डर इसका बॉर्डर की वैल्यू हम दे रहे हैं 2px सॉलिड, उसके बाद रेड कलर देंगे हम, बॉर्डर का रेड कलर दे रहे हैं। अब इसे सेव करके चलिए हम इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक डिवीजन के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर कुछ हमने रॉन्ग दिया है, बॉर्डर की स्पेलिंग BORDER बॉर्डर, अब सेव करके देखिए अब रन करेंगे तो ये बॉर्डर बन गया। अब आप समझिए मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है ये एक बॉर्डर, ये एक एलिमेंट है पूरा, इस एलिमेंट का बॉर्डर, ये बॉर्डर से जो बाहर का हिस्सा है वो इसका मार्जिन है। ये नॉर्मल वेब पेज है जो व्हाइट कलर हमें दिख रहा है बॉर्डर के बाहर, ये इसका बाहर का हिस्सा है, ये लेफ्ट, ये ऊपर का टॉप, ये राइट, ये बॉटम, यहां से कितना स्पेस रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए बाई डिफॉल्ट कोई स्पेस नहीं है, नॉर्मल स्पेस है, ये 0 पिक्सल है बाई डिफॉल्ट। अब चलिए हम इसे अब एक मार्जिन देते हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट लेफ्ट मार्जिन दे रहा हूँ मैं, सिर्फ लेफ्ट देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर मार्जिन देंगे हम, मार्जिन लेफ्ट, ये है मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20px दे रहा, 20px मतलब 20 पिक्सल्स। अब सेव करके देखिए, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट से कोई स्पेस नहीं है, अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा 20px आगे आ गया, क्योंकि मैंने मार्जिन 20px दिया है। अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो और बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 50 दे रहा हूँ, 50 पिक्सल्स। अब चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए 20 पिक्सल, जितना हम स्पेस देना चाह रहे हैं तो हम दे सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट देना चाह रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं मार्जिन लेफ्ट, इसी तरह हमें राइट में देना चाह रहे हैं तो मार्जिन राइट यूज कर सकते हैं, टॉप में देना चाह रहे हैं मार्जिन टॉप, चलिए वो भी हम देखते हैं। अब मार्जिन टॉप देता हूं, मार्जिन टॉप यूज करेंगे, मार्जिन टॉप फॉर एग्जाम्पल 30px 30 पिक्सल्स दे रहा हूँ, इसे सेव किए, चलिए रिफ्रेश करें, आप देखिए यहाँ पे टॉप, ये बॉर्डर रेड कलर बॉर्डर से ऊपर किसी भी तरह का स्पेस नहीं, अब रिफ्रेश करेंगे 30px ये नीचे आ जाएगा, ये है मार्जिन, मार्जिन मतलब एक एलिमेंट का आउटसाइड का हिस्सा, आउटसाइड बाहर वाले के डिवीजन से इसका कितना स्पेस होना चाहिए वो है मार्जिन, समझ में आया। अब चलिए हम देखते हैं डिविजन्स के अंदर डिविजन्स दे रहे हैं तो मार्जिन किस तरह से काम करता है, देखिए ये एक कंटेनर था एक डिविजन, अब एक डिविजन हमने हेडिंग दिए, हेडिंग एक डिविजन में डाले हैं, मेन एक डिविजन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं मेन, अब हम यूज करेंगे मेन क्लास, मेन क्लास का हम बॉर्डर देंगे तो इसका बॉर्डर देंगे तो आपको पता चलेगा ये डिवीजन कहाँ पे है, बॉर्डर इसका 2px सॉलिड ब्लैक कलर देंगे, ब्लैक, अब इसे सेव करके अभी इसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए ये क्योंकि ये डिवीजन इसे एक अलग, ये हेडिंग को अलग डिवीजन में डाले थे, ये दोनों पैराग्राफ को मिला के एक डिवीजन में डाले थे तो आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी तरह का यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब इसका मार्जिन होगा ये रेड बॉर्डर, ये रेड बॉर्डर मतलब ये डिवीजन और ये डिवीजन, ये दोनों के बीच का स्पेस है ये मार्जिन लेफ्ट, इसी तरह से ये एक डिवीजन है ये वेलकम टू एम स्क्वायर ट्यूटोरियल
एक डिवीजन में डाले हैं उसका भी बॉर्डर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डॉट बॉर्डर सॉरी बॉर्डर नहीं, उसका नाम है हेडिंग। हेडिंग हेडिंग के अंदर अब हम बॉर्डर दे रहे हैं, बॉर्डर और 2px सॉलिड और इसका कलर देंगे ग्रीन। ग्रीन अभी इसे रिफ्रेश कर सेव करके अभी इसे रन कर रहे हैं, देखिए इसका ग्रीन कलर आया है। अब यहाँ पे इस मेन ये बॉर्डर था, ये मेन डिवीजन था कंटेनर, उसके अंदर दो डिवीजन हमने बनाए हैं, एक डिवीजन ये हेडिंग डालने के लिए, दूसरा डिवीजन ये मेन कंटेंट हमने ऐड करने के लिए, इसे मेन दिए। तो आप मार्जिन समझे किस तरह से मार्जिन होता है, ये डिवीजन का ये हेडिंग डिवीजन इसका मार्जिन है ये ग्रीन बॉर्डर जो हमने दिए, ये बॉर्डर से बाहर का हिस्सा इसका मार्जिन होगा, ये लेफ्ट में, ये ऊपर टॉप में, ये राइट में, इसका बॉटम होगा इसके नीचे वाले डिवीजन से, रेड बॉर्डर तक नहीं जाएगा ये। इसके फौरन बाद हमने एक डिवीजन ऐड किए हैं, वो डिवीजन और ये डिवीजन दोनों डिवीजन के बीच का जो वो स्पेस है इसका मार्जिन। तो अब चलिए हम इसका मार्जिन देते हैं। अब पहले हेडिंग लेते हैं, ये हेडिंग डिवीजन को हम फॉर एग्जाम्पल इसका बॉटम देखिए, यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं है तो अब हम इस स्पेस देना चाहते हैं बॉटम में, हेडिंग के अंदर अब हम दे सकते हैं मार्जिन बॉटम, मार्जिन का बॉटम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 20px, 20px सेव करके आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का बॉर्डर के बीच में ये स्पेस आ जाएगा 20px, क्योंकि हमने इसका मार्जिन दिए हैं, मार्जिन बॉटम बॉटम दिए हैं तो ये इससे गैप ले लेगा ऑटोमेटिक, ये है मार्जिन। इसी तरह से ये पैराग्राफ है ये मेन डिवीजन का, चले अब हम सिर्फ मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम देना चाहते हैं लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम चारों का मार्जिन देना चाह रहे हैं, तो मैं मेन के अंदर सिर्फ मार्जिन यूज करेंगे, मार्जिन फॉर एग्जाम्पल टॉप हम दे रहे हैं 20px, राइट दे रहे हैं 30px, बॉटम हम दे रहे हैं 30px और लेफ्ट दे रहे हैं 40px। रिफ्रेश अब हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ लेफ्ट में, बॉटम में और राइट साइड में किसी भी तरह का स्पेस नहीं है, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे स्पेस आ गया, देखिए आप देख सकते हैं कितना स्पेस यहाँ पे आया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दोनों का है, स्पेस ले लिया है, ये है मार्जिन किस तरह यूज कर रहे हैं। अब समझिए हमें लेफ्ट और राइट टॉप और बॉटम चारों का मार्जिन सेम देना चाह रहे हैं, सेम, उसके लिए हम चार वैल्यूज नहीं सिर्फ एक ही वैल्यू यूज करेंगे, एग्जाम्पल मैंने 50px यूज कर रहा हूँ, मतलब चारों टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों का हम सेम दे रहे हैं तो सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहे हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक चारों में इक्वल स्पेस लिया है, इक्वल स्पेस, ये है सिंगल वैल्यू। ऐसा समझिए लेफ्ट और राइट का सेम हो और टॉप और बॉटम डिफरेंट देना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसके लिए यूज करेंगे सिर्फ दो वैल्यूज, 50px 100px, 50px ये है टॉप और बॉटम के लिए, 100px यूज कर रहे हैं लेफ्ट और राइट के लिए, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होंगे, देखिए इधर लेफ्ट में और राइट में दोनों का स्पेस इक्वल है, टॉप और बॉटम का भी इक्वल है, ये मार्जिन हम किस तरह दे रहे हैं। इसी तरह अंदर फिर से आप देख सकते हैं, अंदर मैंने पैराग्राफ ये मेन है, मेन के अंदर मैंने दो डिविजन्स डाले हैं, एक है कंटेंट, कंटेंट नाम का, दोनों का आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना, ये पैराग्राफ वन है पैराग्राफ टू, इसे का भी हम डिवीजन देना चाह रहे हैं तो इसका भी डिवीजन हम ऐड कर सकते हैं। इस स्पेसेस प्रॉपर्टी देने के लिए हम यूज कर रहे हैं कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों को हम सेम नेम दिए हैं, अब इसके अंदर जो भी हम सीएसएस देंगे दोनों पैराग्राफ के लिए सेम लेगा वो,
बॉर्डर 2px सॉलिड, इसका बॉर्डर हम यूज करेंगे रेड ब्लू, ब्लू यूज करेंगे ब्लू। अब इसका आउटपुट देखेंगे, ये देखिए इसका बॉर्डर आया। अभी हमने किसी भी तरह का मार्जिन नहीं दिए हैं, इसके लिए दोनों का सेम बता रहा है। मेन का हम एक काम करेंगे ब्लैक के अलावा रेड यूज करेंगे, रेड यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ये देखिए इसका रेड है दोनों, इसके अंदर ये बॉर्डर आया हुआ है। अब हम मार्जिन देना चाह रहे हैं तो हम मार्जिन दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ बॉटम देना चाह रहे हैं या लेफ्ट देना चाह रहे हैं, जो भी देना चाह रहे हैं हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चारों को एक ही वैल्यू देंगे, मार्जिन सेम वैल्यू देना चाह रहे हैं 10px, 10px। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 10px इसका बॉर्डर, मतलब डिवीजन के अंदर डिवीजन, उसके अंदर डिवीजन, उसके अंदर डिवीजन, मतलब ये एक डिवीजन है, ये डिवीजन और एक डिवीजन, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उसे बताते हैं मार्जिन, मार्जिन से वो हम डिफाइन करेंगे। ये था मार्जिन के बारे में। चले अब हम देखते हैं पैडिंग के बारे में, पैडिंग क्या होता है। पैडिंग भी मार्जिन के तरह ही होता है, दोनों में डिफरेंस एक ही डिफरेंस है। ये मार्जिन हम यूज करते हैं आउटसाइड के लिए, पैडिंग यूज करते हैं इनसाइड के लिए। मतलब ये एक एलिमेंट है, उसके अंदर का कंटेंट और उसका बॉर्डर, ये दोनों के बीच में क्या स्पेस हो। अब ऐसे समझिए, अब हमने डिवीजन को बॉर्डर दिए हैं, बॉर्डर और उसके अंदर का कंटेंट, उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो हम डिफाइन करेंगे पैडिंग के थ्रू। ये पैडिंग भी चार, इसके लिए भी चारों साइड्स होते हैं, मतलब टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट चारों होते हैं। सेम जिस तरह से हम मार्जिन यूज करते हैं उसी तरह से पैडिंग यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है, मार्जिन आउटसाइड होता है, पैडिंग इनसाइड होता है। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, इसकी इसे भी सेम वैल्यूज पिक्सल्स में देते हैं। सेम अगर हम चारों वैल्यूज भी यूज करना चाह रहे हैं एक ही के अंदर, हम सिर्फ पैडिंग यूज करेंगे, चार वैल्यूज भी दे सकते हैं, थ्री वैल्यूज भी दे सकते हैं, टू वैल्यूज भी दे सकते हैं, सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं। चलिए अब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पैडिंग मैं बताता हूँ। देखिए अब ये एक यहाँ पे हेडर है, हेडर मार्जिन होगा ये ग्रीन कलर और ये रेड कलर के बीच का स्पेस क्या होना चाहिए। पैडिंग होगा ये ग्रीन कलर का बॉर्डर और इसके बीच का जो कंटेंट है इसी डिवीजन का, इसके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए वो होगा पैडिंग। चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जांपल किस तरह से ये काम कर रहा है। एग्जांपल हेडिंग के लिए हम पैडिंग दे रहे हैं, पैडिंग पैडिंग आप देखिए यहाँ पे आउटपुट के अंदर पैडिंग, यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं है। हम अगर स्पेस देना चाह रहे हैं, लेफ्ट पैडिंग देना चाह रहे हैं, मतलब लेफ्ट पैडिंग यहां से कितनी दूर में होना चाहिए उसके लिए हम पैडिंग यूज कर रहे हैं। मैं सिर्फ पैडिंग लेफ्ट दे रहा हूं अभी, पैडिंग लेफ्ट। एग्जांपल 100px, 100px दे रहे हैं। अब इसे सेव करके देखिए इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, ये वेलकम टू एम स्क्वायर और ग्रीन बॉर्डर के बीच में स्पेस, ये है पैडिंग। इसके ये मेन बॉर्डर से लेकर अंदर कितनी स्पेस होना चाहिए ये पैडिंग है। इसी तरह से इसका ये ऊपर कितना स्पेस हो ये टॉप पैडिंग होगा, ये राइट में कितना स्पेस हो ये राइट पैडिंग, नीचे कितना हो ये बॉटम, लेफ्ट में कितना हो ये लेफ्ट पैडिंग होगा। चारों हम देना चाह रहे हैं, चारों भी हम वैल्यूज दे सकते हैं। एग्जाम्पल पैडिंग लेफ्ट के अलावा मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ सिर्फ पैडिंग, सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा हूँ। अभी इसे सेव कर रहे हैं, एक ही वैल्यू दे रहा है मतलब चारों पैडिंग टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों का इक्वल साइज होगा। जी देखिए आप देख सकते हैं इक्वल, आप ऑटोमेटिक आप देखिए इसका विड्थ चेंज हो गया क्योंकि ये ऊपर भी 100px, नीचे 100px, लेफ्ट में 100px, राइट में 100px, ये जितना
ऑलरेडी जो विड्थ होगा, विड्थ में इसका पैडिंग भी ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल, इसका विड्थ था समझिए 100 px, हमने पैडिंग दिए थे 50 px, तो इसका विड्थ हो गया 100 + 50, 150 px विड्थ हो जाएगा। इस तरह से पैडिंग वर्क होगा। मैं इसका पैडिंग, अब देखिए पैराग्राफ, इसका पैडिंग हम चेक करेंगे किस तरह से ये काम करता है। पैडिंग ये कंटेंट के अंदर है, कंटेंट विद इन द कंटेंट हम पैडिंग देंगे। पैडिंग सिर्फ पैडिंग टॉप दे रहे हैं, पैडिंग टॉप। इंडिविजुअल देना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर सब मिला के देना चाह रहे हैं तो सिर्फ पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग टॉप हम दे रहे हैं 30 px। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर। देखिए ये ब्लू कलर का ये कंटेंट है, ये एक डिवीजन है। इसके और इसके कंटेंट के बीच में जो ऊपर स्पेस होगा, ये स्पेस अब हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए पैडिंग ऊपर का स्पेस बढ़ गया। ये पहले से ही देखिए पैराग्राफ फाउंड और वेलकम, इसके बीच में स्पेस क्यों आया है, क्योंकि हमने इससे पहले की वीडियोस में जाने हैं। ये हेडिंग और पैराग्राफ ये हम यूज करें तो ऑटोमेटिक ये एक लाइन स्पेस ऐड हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये लाइन स्पेस ऑटोमेटिक ऐड हुआ है पैराग्राफ वन और इसके बीच में। अगर हम लेफ्ट देना चाह रहे हैं अभी लेफ्ट पैडिंग, तो चलिए हम लेफ्ट पैडिंग देंगे। पैडिंग लेफ्ट कितना दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 px, 50 px दे रहे हैं। तो अब चलिए इसका आउटपुट देखेंगे। देखिए यहाँ पे 50 px, ये राइट से यहाँ पे स्पेस आ गया, ये है पैडिंग। और जिस तरह मार्जिन यूज कर रहे हैं इसी तरह से हम पैडिंग भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्जिन आउटसाइड होगा, पैडिंग इनसाइड होगा। मतलब जो बॉर्डर है, बॉर्डर से उसके पहले वाले कंटेंट एलिमेंट HTML का एलिमेंट होगा, उसके बीच में स्पेस क्या हो, इसे हम मार्जिन में देंगे। पैडिंग में हम देंगे सेम डिवीजन का अंदर, उसके बॉर्डर से लेके उसके अंदर वो कंटेंट तक का स्पेस कितना हो, हम इसे पैडिंग के अंदर देंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसे हम सारे वेबसाइट्स में यूज करते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप ज़रूर क्या है कमेंट के अंदर मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे टॉपिक।